हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा अग्रवाल। आज हम आपके लिए लाए हैं कि नवंबर का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। तो अभी हम देखते हैं नवंबर का मंथ एरीज मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि जो भी हम प्रेजेंट में करते हैं उसका पूरा असर हमारे फ्यूचर पर आता है। तो हम ये देख लेते हैं कि नवंबर का मंथ हमारे लिए कैसा रहेगा और हम उसमें क्या गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं, क्या सपोर्ट ले सकते हैं कि आने वाला समय भी अच्छा रहे, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग ही रहती है। तो हमारे कार्ड शफल हो चुके हैं और हम एरीज मेष राशि के लोगों के लिए कुछ कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम जानेंगे उनका हेल्थ, उनका रिलेशनशिप, उनका फाइनेंसेस, उनकी लाइफ में आने वाली हर्डल्स और क्या चीजें उनको आगे ले जा सकती हैं, उनके करियर को सपोर्ट कर सकती हैं। तो नवंबर में एरीज मेष राशि के लोगों के लिए ऐसा समय है जिसमें वो बदलाव ला सकते हैं और उनको बदलाव लाना भी चाहिए। फोर ऑफ कप्स कार्ड इंडिकेट करता है कि अभी आप में पूरी एनर्जी है और आप जो भी स्थिति चाहें उसमें एडजस्ट कर सकते हैं और आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपके मन में कहीं ये विचार आ रहा है कि चीज़ें जैसी हैं उनको हम ऐसे ही चलने देते हैं, तो वो छोड़ दीजिए। आप उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। अगर आप उसे सुधार सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप उसको छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हो। तो मूव ऑन की स्टेज बन रही है। गॉड आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। रियलिस्टिक ड्रीम्स अगर आपके हैं तो वो पूरे होने का समय नवंबर के मंथ में है। हेल्थ में थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप थोड़े परेशान हैं, चीज़ों में उतनी क्लैरिटी नहीं है, एनालाइज कर आपने ओवरथिंक कर ये ऐसा स्टेज आ गई है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ रुका सा है। तो वो उसका पूरा असर आपकी हेल्थ पर पड़ सकता है। चोट लगने का डर भी है, तो उससे भी सावधान रहिए। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी बहुत ही प्रैक्टिकल रिलेशनशिप रहेगा, बेसिकली ग्रो होगा। थोड़ा नज़र दोष से बचिए, क्योंकि हम जब रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होने लगता है तो बहुत बार लोगों की टोक भी लग जाती है। अदरवाइज इट विल बी अ गुड रिलेशनशिप। उसमें आपको कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक गेन्स भी होने की संभावना है और बहुत ही अच्छे रिलेशन आपके रहेंगे। फाइनेंसेस की बात करें, स्टडीज़ की बात करें या लाइफ के और किसी प्रैक्टिकल एरिया की बात करें, तो आप सबकॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें चाहेंगे वो आप अट्रैक्ट कर लेंगे। नाइन ऑफ कप्स इज़ अ विश कार्ड। ये माइनर आर्कना का हमारा विश कार्ड होता है कि जैसा आपने चाहा वैसा आपने अपने लाइफ को बना लिया। तो आप एक राजा की तरह हैं, आप एक रानी की तरह हैं जो काफ़ी कुछ पा चुके हैं और आगे पाने के लिए आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना है, यूनिवर्स को बताना है कि मुझे ये चाहिए। नवंबर के महीने में काफ़ी सारे सच्चाइयाँ आपके सामने रिवील हो सकती हैं, काफ़ी ट्रुथ रिवील हो सकते हैं, बहुत सारे हिडन एस्पेक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। थोड़े इमोशंस पर काबू कीजिए, क्योंकि कोई और आपके इमोशंस का मिसयूज़ कर सकता है। आपको इमोशनल फूल नहीं बनना है, आपने अपनी नॉलेज का यूज़ करना है, अपनी गट फीलिंग पर जाना है। फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे विचार ना मिले तब भी आपको उनकी राय लेनी है, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव कर आप आगे बढ़ सकते हैं, पर आपको फैमिली का, नियर एंड डियर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेफ़ और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं होंगे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको हार्म कर सकते हैं। जो भी आपके पास है आपको उसे बहुत ही कंट्रोल मैनर में इंजॉय करना है, आगे की तरक्की के लिए प्लानिंग करनी है
और जो आप अभी एफर्ट डालेंगे उसमें एस ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर आएगा बट एंड ऑफ द डे आपको ही विक्ट्री मिलेगी। तो अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उसमें अगर स्ट्रगल भी है तो आप घबराइए नहीं। एक्सटर्नल सपोर्ट, सेवन ऑफ पेंटकल हमें दिखा रहा है कि आपको एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिलेगा, पर उसके लिए आपको पेशेंस रखनी चाहिए। आपका अपना एफर्ट मैटर करेगा कि आपको कितना एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है। अगर आपने लोगों की मदद की है आज से पहले तो वही लोग आपकी लाइफ में आएंगे और आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट प्रोवाइड होगा। आपकी खुद की प्रैक्टिकल सोच और आपकी खुद की मेहनत ही आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट दिलवा देगी। अपने मन को काबू में कीजिए, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मत रखिए। अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशंस पावर, अपनी साइकिक पावर्स को पहचानिए। जो आपका मन कहता है, जो आपकी गट फीलिंग कहती है, उसको फॉलो कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी ऐसे का सपोर्ट लीजिए जो बिल्कुल आपकी तरह सोचता हो, जो आपको समझता हो, जो आपको आपकी सिचुएशन में ठीक तरह से गाइड कर सके। ऐसे लोगों से नहीं बातें करनी है जो नज़र लगाएं या जो आपकी सिचुएशन में अपने ही परसेप्शंस के हिसाब से आपको सॉल्यूशंस देना शुरू करें, जो आपकी ही बातों को आपके ही लेवल तक आकर समझे मेंटली और इमोशनली, और आपका मॉरल सपोर्ट बन पाए। नवंबर के महीने में ओवरऑल हम देखें तो आपको मॉरल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप जो भी प्लान करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। एरीज के लिए हमने आज तीन स्टोन्स, तीन क्रिस्टल्स यूज़ किए हैं, रेड जेस्पर, सिट्रीन और मूनस्टोन। रेड जेस्पर हमारे रूट चक्र को बिलोंग करता है और रूट चक्र हमारा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का है। तो अगर हम सिक्योर और स्टेबल होना चाहते हैं तो आप रेड जेस्पर क्रिस्टल को नवंबर के मंथ में यूज़ कर सकते हैं, या ब्राउन कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, रेड कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिट्रीन जो येलो कलर क्रिस्टल है। इसको आप, ये हमारा सोलर चक्र का क्रिस्टल होता है और ये हमारा कॉन्फिडेंस रेज करता है और इमोशंस को बैलेंस करेगा। तो अगर आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है और आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई करना है कि आप सेफ एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहकर अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकें, तो आप येलो कलर यूज़ कर सकते हैं या सिट्रीन क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टल है हमारा मूनस्टोन। मूनस्टोन हमारा थोड़ा वाइट और सिल्वरिश टोन में है, तो आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मूनस्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको इंट्यूटिवली काम करने में हेल्प करेगा, आपके इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी मून एनर्जी, आपकी मदरली एनर्जीज को इंक्रीज करेगा। तो ये सभी अगर आप काम करते हैं, ये गाइडेंस फॉलो करते हैं, तो आपकी आने वाली जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनमें आपको काफ़ी हद तक सॉल्यूशंस नज़र आएंगे और आप अपने सेट डिज़ायर्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये थी हमारी एरीज की, नवंबर मंथ की एरीज।